अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश है, खैरियत से है। आज है संडे का दिन। अभी मैं शाम के इफ्तार के लिए मसाला वड़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने चने की दाल को पहले ही भिगने डाल के रख चुकी हूँ। तो मैंने लिए है 2 ग्लास, छोटे वाले 2 ग्लास मैंने लिए है। तो उसमें से मैंने 1 मुट्ठी बाजुक निकाल के रख चुकी हूँ, और बचे जो चने की दाल है उसमें हम 4 हरे मिर्च और 4 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल के, थोड़ा बहुत नमक डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। और बचे जो कुछ भी हमने चने की दाल बाजुक निकाल के रख चुके हैं वो भी उसमें अभी उस पेस्ट में ऐड कर देंगे। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा 2 चम्मच, क्योंकि अच्छी तरह से क्रिस्पीनेस आएगी मसाला वड़ा में, तो इसलिए हम चावल का आटा ऐड कर रहे हैं। और साथ में हरा धनिया और थोड़ा बहुत करी पत्ता और 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट के डाल चुकी हूँ। तो इसे हम अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। बस अभी हम छोटे छोटे बॉल्स, राउंड बॉल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हल्के से उसे फ्लैट शेप देंगे, फिर उसके बाद तेल में छोड़ देना है। और ये वड़े तलते वक्त ना लो फ्लेम में ही तलना है, अगर हाई फ्लेम में रखेंगे ना तो जल्दी से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर तो कच्चा ही रह जाएगा, तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम में हल्के से फ्राई कर लेंगे। वड़े अभी बन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने साथ में फ्रूट्स काटना भी शुरू कर दिया है। तो अभी मुझे पपाया और वाटरमेलन को काटना है, तो पहले मैं पपाया काट लूँगी, फिर उसके बाद वाटरमेलन भी मैं काट के रख दूँगी। और मैं ना ज़्यादा फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती हूँ, बस सेलेक्टिव फ्रूट्स ही खाती हूँ, जो जिनमें पपाया एक है। तो पपाया, मैंगो, वाटरमेलन और खरबूज अच्छे लगते हैं मुझे खाने में। और दूसरे फ्रूट्स होते हैं जो एप्पल, अनार हो गया, फिर ग्रेप्स, ऑरेंज, ऐसे फ्रूट्स ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि खाने में पसंद नहीं है बन, लेकिन कभी कभी खाना पड़ता है तो खा लेती हूँ, तो उतना ज़्यादा पसंद से नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं वड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। बस ज़्यादा कलर, ब्राउन कलर तक नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में कल की सहरी की तैयारी करने के लिए। तो सहरी में अभी बन रहा है बटर चिकन सहरी के लिए। तो बटर चिकन के लिए मैंने चिकन में बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। साथ में अभी मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ हम डालेंगे दही। तो दही मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच और ये सब डालने के बाद हम अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद हम इसे एक 30 मिनट्स के लिए बाजू रख देंगे और उससे भी ज़्यादा देर तक रखेंगे तो और भी अच्छा है। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ 30 मिनट्स के बाद, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें सारा चिकन अच्छी तरह से अरेंज कर लेंगे और ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, बस ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी छूटता है तो पानी पूरा अच्छी तरह से सूख जाना है, तब तक हमें इसे ऐसे ही चिकन को पकाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने और एक कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है 3 लौंग 2 इलायची और 1 स्पून जीरा डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 बड़े साइज़ के प्याज डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। प्याज थोड़ा बहुत गल जाने के बाद अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल पूरा ख़त्म हो जाए। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है काजू और हरी मिर्च। काजू हम लेंगे 15 से 20 तक और हरे मिर्च मैंने डाला है 4 कटे हुए, तो इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटे 3 बड़े साइज़ के और कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ में मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून और 1 स्पून मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करना है जब तक कि हाँ सारे टमाटे अच्छी तरह से गल जाएंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो टमाटे गल जाने के बाद हमें इसे ठंडा करके मिक्सी में फाइन पेस्ट बना लेना है। और अभी आप देख सकते हैं चिकन में बहुत सारा पानी निकला हुआ है, तो इस पानी को हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो उसके लिए मैं अभी फ्लेम को हाई कर देती हूँ ताकि जल्दी से पानी सूख जाए। फाइनली अभी आप देख सकते हैं चिकन में सारा पानी सूख चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अभी मैं और 5 मिनट्स ऐसे ही कुक करूँगी, फिर उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमें इस सारे चिकन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को अलग प्लेट में निकालने के बाद मैंने कढ़ाई को एक बार धो लिया है, फिर उसमें मैंने डाल दिया है बटर। तो बटर मेरे पास क्यूब्स थे तो मैंने 3 क्यूब्स बटर ऐड कर दिया है और अभी इसे मेल्ट होने तक वेट करेंगे। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरह से गर्म भी हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है काजू टमाटे का पेस्ट जो हमने पहले ही पेस्ट बना के रख चुके हैं। हम अब अच्छी तरह से बटर के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक और नमक हम ऑलरेडी चिकन में डाल चुके हैं तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसे हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। तो 5 मिनट्स के बाद अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 ग्लास पानी क्योंकि अच्छी ग्रेवी कंसिस्टेंसी के लिए। तो पानी ऐड करने के बाद अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है चीनी। तो चीनी मैंने 1 स्पून डाला है छोटा चम्मच और बटर चिकन ना थोड़ा मीठा टेस्ट करता है इसलिए हमने चीनी डाला है। और अभी अच्छी तरह से कुक हो चुका है हमारा ग्रेवी। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन को और हल्के से हलाएंगे क्योंकि अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो ज़्यादा फोर्स देंगे तो टुकड़े खुल जाते हैं, तो इसलिए चिकन को थोड़ा हल्के से हलाएंगे ग्रेवी के साथ। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी। चिकन बन रहा है तो मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आ गई थी, थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे कुकिंग करते वक्त, तो इन सबको मैं अभी धोकर रख दूँगी। अभी आप देख सकते हैं हमारा बटर चिकन बनके तैयार है। ऑलमोस्ट ऊपर अच्छी तरह से बटर आ चुका है और चिकन भी मसाले के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से कुक हो चुका है और अच्छी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी हो चुकी है। बस इसमें ना मैंने एक पिंच फूड कलर भी ऐड किया है रेड कलर और वो क्लिप कैसे मिस हो गया पता नहीं चल रहा।
वो फूड कलर ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं या बिना डाल के भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऊपर से एक बटर का क्यूब मैंने डाल दिया है अच्छी फ्लेवर के लिए, और साथ में ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया गार्निश के लिए। तो अभी फाइनली अब भी मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। तो कैसा लगा हमारा बटर चिकन, देखने में बहुत यम्मी है ना, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो इस रेसिपी के लिए तो ज़रूर लाइक बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे वीडियो को और मेरे रेसिपी को लाइक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स के ततिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश है, खैरियत से है और अपने अपने घरों में आबाद है। तो आज है मंडे का दिन, अभी सबको 13th सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी टाइम 3:30 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी और थोड़ा बहुत फ्रेश अप हो गई हूँ। फिर उसके बाद अभी मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। तो आज मैं खाने में खाना नहीं बना रही हूँ, मतलब कि चावल, डेली हम चावल ही बनाकर खा लेते हैं, तो आज मैं चावल बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। और रात में मैंने बटर चिकन बनाकर सो गई थी सहरी के लिए, आज सहरी के लिए। तो उसके कॉम्बिनेशन में रोटी या फिर नान पराठा ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो सोचा कि मैं भी आज रोटी बनाऊंगी सहरी में। तो अभी मुझे चपाती बनाना है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और नान पराठे तो अभी मुझसे नहीं होंगे ऐसे इस वक्त में जल्दी जल्दी से, तो मैंने सोचा कि चपाती खा लेंगे। तो उसके लिए मैंने रात में ही आटे को गूंद के रख चुकी हूँ, बस अभी मुझे बेलना है और सेक देना है। बस मैं और मेरे हस्बैंड ही है, थोड़ा बस 10 to 15 मिनट्स में हो जाएगा जल्दी से ही। तो 4:45 के करीब मैं अपना काम पूरा ख़त्म कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही उठी हूँ और मेरे हस्बैंड को अभी मैं उठाऊँगी, फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाऊंगी। और अभी मैंने जो भी बात किया है उसकी आवाज़ ना थोड़ा धीमी आ रही है, क्योंकि मैंने बात करते वक्त ही थोड़ा हल्के आवाज़ से बात की थी, क्योंकि सहरी का टाइम था। और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा आवाज़ से बात करूँगी और फिर अयान उठ जाएंगे ना, तो फिर मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्की आवाज़ से बात की थी। तो जिस काम मुझे डर था तो वही हो गया था, अयान रोते हुए उठकर आ गए थे, तो उनको लेकर मैं भी सारा काम कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में।